हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 23 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और अन्य करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम डबल लेखा एंट्री लागू करने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर नगर निगम, बी है अयोध्या नगर निगम, सी है लखनऊ नगर निगम और डी है वाराणसी नगर निगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या नगर निगम। तो अभी हाल ही में अयोध्या नगर निगम जो है वो डबल लेखा एंट्री लागू करने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है। और इसमें क्या होगा, निकायों में धांधली रोकने के लिए डबल लेखा एंट्री लागू करने वाला अयोध्या पहला नगर निगम होगा। अयोध्या नगर निगम ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जल्द ही वहां सभी लेन देन का डबल लेखा एंट्री करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, तो निकायों में धांधली रोकने के लिए ये किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के शताब्दी समारोह को किसने संबोधित किया? ऑप्शन नंबर ए है निर्मला सीतारमण, बी है योगी आदित्यनाथ, सी है नरेंद्र मोदी और डी है अमित शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। तो अभी हाल ही में दिसंबर में जो 22 दिसंबर को समारोह हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शताब्दी समारोह, उसका संबोधन किया है नरेंद्र मोदी ने। यह पहली बार है जब 5 दशक से भी ज़्यादा वक्त में कोई प्रधानमंत्री AMU के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने AMU के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल AMO स्कूल की स्थापना की थी। 1920 में उसी स्कूल ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप लिया। इसका कैंपस उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 467.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो देखिए, इसकी स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के नाम से इसकी स्थापना की थी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका नाम कब पड़ा, 1920 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस झील में शिकारा चलाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है रामगढ़ झील, बी है सुराहा ताल, सी है रामताल और डी है मोती झील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रामगढ़ झील। तो योगी आदित्यनाथ ने अभी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि रामगढ़ झील में जम्मू कश्मीर की तरह ही शिकारा चलाए जाएंगे। तो इससे संबंधित देखिए, शिकारा एक प्रकार की लकड़ी की नाव है। शिकारा होता क्या है ये आप लोग देखिए, तो शिकारा एक प्रकार की लकड़ी की नाव है जो मुख्यतः भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर की डल झील में प्रयोग में लाई जाती है। जम्मू कश्मीर के अलावा शिकारे जैसी नावें भारत के राज्य केरल में भी प्रयोग की जाती हैं। शिकारे विभिन्न आकारों में बनाए जाते हैं और लोगों के परिवहन सहित अन्य कई उद्देश्यों के लिए उपयोग में आते हैं। एक सामान्य शिकारे में लगभग 6 लोग बैठ सकते हैं और नाविक इसे पीछे की तरफ से खींचता है। तो आप समझ गए होंगे कि शिकारा क्या होता है। अब यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये होता है शिकारा जो कि झीलों में चलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र मंकी रिहैबिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है कर्नाटक, सी है तेलंगाना और डी है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। हाल ही में तेलंगाना में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। यह प्राइमेट के लिए देश में इस प्रकार का दूसरा केंद्र है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसा केंद्र स्थापित किया गया था। तो इस तरह का जो केंद्र है वो दूसरा होगा। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में जो है बंदरों के लिए पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है भारत, सी है रूस और डी है जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चीन। तो अभी हाल ही में चीन ने विश्व के सबसे बड़े
रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन ने इसे 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, इसे फास्ट कहते हैं शॉर्ट में, फास्ट FAST, और इसका फुल फॉर्म आपने देखा 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप नाम दिया है। यह टेलीस्कोप चीन के गुईझोउ में पिंग टांग में स्थित है। फास्ट ने साल 2016 में दुनिया में सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी को पछाड़ दिया है। इससे पहले 53 वर्षों तक अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप था। फास्ट टेलीस्कोप की डिस्क का व्यास जो है वो कितना है, 1600 फुट यानी कि 500 मीटर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 20 दिसंबर, बी है 22 दिसंबर, सी है 15 मार्च और डी है 8 मई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर। तो जो राष्ट्रीय गणित दिवस है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये देखिए, तो भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 1887 में इसी तारीख को हुआ था। साल 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा की थी। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर ए है 30 लाख, बी है 40 लाख, सी है 50 लाख और डी है 60 लाख। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 50 लाख। तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अब ये क्यों लगाया गया है, तो ये देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों तथा कर्ज के प्रबंधन के मामलों में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए 42 लाख डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए है त्रिपुरा, बी है कर्नाटक, सी है तेलंगाना और डी है असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए 42 लाख डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के जरिए पूर्वोत्तर भारत में स्थित त्रिपुरा में शहरी सुविधाएं विकसित करने के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत फाइनेंसिंग सुविधा है। इस सुविधा से त्रिपुरा सरकार को शहरी क्षेत्र में सेवाएं सुधारने और पर्यटन क्षेत्र के लिए आधारभूत संरचनाएं विकसित करने के लिए समग्र योजना बनाने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर त्रिपुरा की बात आई तो त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में त्रिपुरा और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा के गवर्नर हैं रमेश बैस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है चीन और डी है जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका की एक शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। अमेरिका में तैनात भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधु ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सम्मान स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक संग्रहालय खोलने की योजना बनाई है? ऑप्शन नंबर ए है 2021,
बी है 2022, सी है 2023 और डी है 2024। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2022। भारत सरकार ने 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक संग्रहालय खोलने की घोषणा की। ऐतिहासिक दस्तावेज, फोटो और अन्य सामग्री को प्रदर्शन के लिए एक स्थान पर एक साथ लाया जाएगा। 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में बोस पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में, तो दोस्तों ये हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन करंट अफेयर के। अब हम देखते हैं कल का क्वेश्चन जो कि हमने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था। हाल ही में जारी हुई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट था, 131वें स्थान पर। तो कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब जरूर दिया करो। तो आज का क्वेश्चन है, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए है इसका गार्जियंस, बी है ह्यूमन स्पेस, सी है कैनेडी स्पेस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।